आज मां नर्मदा गौ सत्याग्रह जन जागरण जन आंदोलन समिति के सदस्य बड़ी संख्या में एकत्रित होकर न्यायालय अनुभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी गोरखपुर के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व समर्थ भैया जी सरकार के द्वारा नर्मदा किनारे हो रहे अतिक्रमण सहित अवैध उत्खनन के विरोध में सैकड़ों नर्मदा भक्तों के साथ जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया था और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत भी करवाया गया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आदेश क्रमांक जो है 10561/2019 में जो आदेश पारित किया गया कि नर्मदा के किनारे खास तौर से तिलवारा पे जो अतिक्रमण हो रहा है और बड़ी मात्रा में लाखों टन पत्थरों का भंडारण हो रहा है, जो HFL एरिया है उस पर निर्माण का कार्य हो रहा है नर्मदा के किनारे, उन सबको हम प्रशासन को हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये बताने आए कि आप उस पर कार्रवाई करें, जबकि हाई कोर्ट उस पर ऑलरेडी आदेश कर चुका है। और एक साल पहले जबलपुर की कलेक्टर छवि भारद्वाज जी ने उस कार्रवाई को रोक लगाने के लिए और उस पर हो रहे निर्माण या सामान जो रखा है उसको राजसात करने तक के आदेश दिए और आज तक मौके का पंचनामा होता है और कार्रवाई रुक जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि उस कार्रवाई को किया जाए, उसकी मांग को लेके हम लोग ज्ञापन देने SDM गोरखपुर साहब के यहाँ आए।